सब्सक्राइब कीजिए ईआर इंजीनियर चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये फोल्ड लेड है टी सीरीज का 14 इंच में, तो इसमें मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विप्लव है और आप देख रहे हो मेरा चैनल ईआर इंजीनियर। दोस्तों मैं टीवी खोल चुका हूँ, देख पा रहे हो, तो मैं इसको प्लग इन किया, देख सकते हो एलईडी जल रहा है। इसका मैं प्लस ई प्लस लगा तभी ऑन हो जाएगा, ऑन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है, ये स्विचिंग करता है ये दबाने के बाद। रिलीज हो गया, तो अब मैं चेक करूंगा कि जीएसटी वन नहीं हुआ है। यहाँ रख लेता हूँ, वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है यहाँ पे 110 को ऑन अप करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मीटर में 14 वोल्ट दिखा रहा है। सब स्विचिंग कर चुका है ये, मतलब ये जो रिले है रिले स्विचिंग कर चुका है। यहाँ पे 110 वोल्ट जाता है हमारे ड्यूटी में। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे वोल्टेज नहीं है, देख पा रहे वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ तक है तो यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे ये कॉइल लगा हुआ है, कॉइल शायद खराब हो चुका है, कॉइल चेंज करने से सही हो जाएगा। तो ये जो डी टी है ये 50 से 60 वोल्ट तक, ये 60 वोल्ट से ये काम करता है। सबसे पहले कॉइल चेंज कर देता हूँ, मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। दोस्तों मैं एक कॉइल लगा चुका हूँ, तो फिर से मैं मीटर को यहाँ पे रख लेता हूँ। प्लग इन कर रहा हूँ और मैंने किया, इसका जो की है उसको मैं प्रेस करूँगा। देख पा रहे दोस्तों जीएसटी वन हो चुका है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो 6 वोल्ट है, देख पा रहे हो 75 वोल्ट डीटी केस पॉइंट में 75 वोल्ट गया, 75.4 वोल्ट है, 1 वोल्ट में काम चलेगा ये, 1 वोल्ट में ये स्विचिंग करता है हमारा ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर आईसी को स्विचिंग करता है, एसी फ्रीक्वेंसी देकर हमारे ये यूनिट चलाता है। आपको आप 3 वोल्ट आपको दिखा देता हूँ, 1.5 वोल्टेज है एसी आउट, और स्पीकर का भी दिखा देता हूँ। 3.6 वोल्टेज सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है, ये रिले स्विचिंग करता है, तो मैं आपको स्विचिंग करके दिखा देता हूँ। आ रहे हो 12 वोल्ट में स्विचिंग करता है ये, बारह वोल्ट से कम रहेगा तभी स्विच नहीं करेगा, 12 वोल्ट से ज़्यादा भी होगा स्विच ही नहीं करेगा। देखो 12 वोल्ट है, ये दोनों पॉइंट पे 12 वोल्ट लगेगा, कॉइल लगा हुआ है, 12 वोल्ट होने से ही हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्विचिंग कर देता है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक स्विचिंग कर देता है। मतलब जो 12 वोल्ट नहीं रहेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्विचिंग रहेगा। ठीक है, रिले के बारे में आपको एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं वीडियो भी चला के दिखाता हूँ अभी। ठीक है, दोस्तों मैं फिटिंग कर चुका हूँ, देख पा रहे हो कि अब मैं इसको प्लग इन करने जाऊंगा। वही मैंने प्लग इन किया,
तो मैं आप सामने से आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने प्लस प्रोग्राम प्लस वाला बटन दबाया, देखो ये ऑन हो चुका है। का वीडियो में चलाता हूँ, मैंने अभी मोड भी लगा दिया। ये किन्नर भी ना परेशान करने आ जाते हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ लेने नहीं, लेने आई हूँ, बगल में मेरी चाय की दुकान है तो सोची सबको एक एक कप चाय पिला दूँ। लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लीजिए ना, एक लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। अरे भाई, आज पैसे नहीं लूँगा। पैसे कौन दे रहा है? सब करें तो सदा सुखी रहो।